बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम माय डियर किड्स। आई एम योर फेवरेट टीचर नादिया। जी बेटा, आज हम उर्दू अल्फाबेट्स के न्यू साउंड्स लर्न करेंगे। क्या आप रेडी हैं? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न न्यू साउंड्स ऑफ उर्दू अल्फाबेट एंड दीज आर सैंड पेपर लेटर्स। यू नो दीज आर सैंड पेपर लेटर्स। फ, 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 क, 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 ओके, नाउ शो मी फ। यस, दिस इज फ। शो मी क। This is K. What is this? F. What is this? जी बेटा, अब मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है फायजा की। फायजा एक प्यारी सी गर्ल थी। एक दिन उसके अब्बू फारग थे और उसको एक मज़े की चीज़ दिखाने ले गए। आपको पता है उसने क्या देखा? गैस करें क्या है ये? फवारा। जी, क्या है? फवारा। इस तरह से फायजा ने फवारा देखा। वाओ, आप भी देखें और मज़ा करें। फवारा। उसके बाद फायजा ने वहाँ पे एक फाख्ता देखी। आपको पता है फाख्ता क्या होती है? फाख्ता एक बर्ड का नाम है। उन्होंने फाख्ता के साथ बहुत मज़ा किया और उसके बाद फायजा को भूख लग गई। तो फायजा के अब्बू ने उसे फालसा लेके दिया। जी, क्या ये? फालसा। फायजा ने मज़े से फालसा खाया और उसके बाद वो फौजी अंकल से मिली। इस तरह से फायजा ने अपना दिन बहुत अच्छा गुजारा। ठीक है, अब बेटा आप मुझे इन चीज़ों के नेम बताओगे। जी, क्या है ये? फाख्ता। फाख्ता। एंड ये क्या है? फालसा। फालसा। फौजी। फवारा। अब इन सब की शुरू की आवाज क्या है? इन सब की शुरू की आवाज है फ। फ। क्या है ये? फ। इट्स बुक वर्क टाइम। ओके, आपकी बुक है गुले उर्दू, उसके पेज नंबर 60 पे आप खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। फ, फ फवारा, फ फाख्ता। बेटा, आपने यहाँ पे फाख्ता में कलर करना है। और आपको पता है फाख्ता में कौन सा कलर होता है? फाख्ता तो वाइट कलर की होती है, तो आप फाख्ता में वाइट क्रेयॉन कर देना। ठीक है,
और इसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक एक्टिविटी करनी है। इट्स एक्टिविटी टाइम। जी, एक्टिविटी ये है कि हमने यहाँ पे सारे हरफ फे को मिलाना है और फाख्ता को दरख्त तक लेके जाना है। जी, ऐसे इस तरह से हमने ये एक्टिविटी करनी है। और उसके बाद एक और एक्टिविटी है, इसमें हमने देखना है कि ये कौन सी तस्वीर है। ये है फवारा। क्या है? जी, फवारा। तो अब बेटा आप मुझे बताओ, फवारा की शुरू की आवाज़ प है? नो। फ है? यस। तो हम फवारा को फ से मिला देंगे। फ। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ की ट्रेसिंग किस तरह करते हैं। जी, एक गोल दायरा बनाइए, बनाते जाएं गोल दायरा, और फिर बिल्कुल ब की शक्ल में ट्रेसिंग कर देनी है, जैसे हमने ब बनाया था। इस तरह से हमारा फ बन जाएगा, और फ के पास होता है एक नुक्ता जो उसने अपने सर पे रखा होता है। ओके, अब आपके पेज नंबर 61 पे फ की राइटिंग है। आपने इसी तरह से फ की ट्रेसिंग करनी है, ठीक है बेटा? फ की ट्रेसिंग करनी है। यस, ओके। जी बेटा, आज हमने एक और मज़े की स्टोरी सुननी है। ये स्टोरी है कुत्सिया की। आपको पता है, कुत्सिया एक प्यारी सी गर्ल थी। एक दिन क्या हुआ कि कुत्सिया ने अपनी अम्मी की अलमारी खोली तो वहां पे क्या देखा? एक प्यारी सी कमीज। कुत्सिया को वो कमीज बहुत प्यारी लगी और कुत्सिया ने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे भी ऐसी ही कमीज बना के दें। फिर क्या हुआ, कुत्सिया की अम्मी ने कैंची की मदद से वैसी ही कमीज कुत्सिया को बना दी और कुत्सिया बहुत हैप्पी थी। और फिर क्या हुआ, कुत्सिया के घर में एक प्यारा सा कलीन था। क्या है ये? कलीन। फिर से बोले, कलीन। कुत्सिया ने कलीन पर बैठकर कलम से लिखा। ये क्या है? कलम। क्या है? कलम। अब आप मेरे साथ इन चीजों के नेम रिपीट करेंगे। कलम, कैंची, कमीज, कलीन। और इन सब की शुरू की आवाज है क। क्या है? क। के पास हैं दो टू डॉट्स जो कि क ने अपने सर पे रखे हुए हैं। गुड, ओके। अब बेटा आपकी बुक पेज नंबर 62 पे क बना हुआ है। आपने इसी तरह से क के ऊपर अपनी उंगली से ट्रेसिंग करनी है। गुड। और ये क्या है साथ में? ककलीन। क्या है? ककलीन। और ये है ककलम। ककलम। अब आपने कलम में कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगता है करना है, ठीक है? कलम में रंग भरने हैं, ठीक है? और अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। जी, तो ये क्या है? ऐसा करते हैं कि पहले हम इस पिक्चर को कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। चलिए हम क को मिलाते हैं। क को मिलाते हैं इस तरह से, क को ज्वाइन करते जाएंगे।
अब दूसरी साइड से भी क को मिलाएंगे, क को मिलाते जाएंगे, और जी देखिए ये क्या बन गया, ये तो कैंची है। क्या है ये? कैंची। अब कैंची में आपने अच्छे अच्छे से कलर करने हैं, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं कि क की ट्रेसिंग कैसे करते हैं। जी पहले एक छोटा सा गोल दायरा बनाएं, बनाते जाएं, और फिर नीचे आना है और उसी तरह से नून बनाना है जैसा कि हमने सीन शीन में बनाया था। गुड। और क के सर पे दो नुक्ते होते हैं, इसी तरह से बेटा आपने बुक पेज नंबर 63 पे क की ट्रेसिंग करनी है, क के ऊपर ऊपर ट्रेसिंग करनी है। गुड जी बेटा, अब आपको पता है आपने क्या करना है? आपने ये सारा बुक वर्क करना है, उसकी पिक्चर बनानी है और फिर टीचर को सेंड करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।